गिद्धों की तरह ही आज हमारे देश में गौरैया भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि गिद्धों की तरह ही अगर गौरैया भी लुप्त प्राय प्राणी हो गई तो प्राकृतिक संतुलन कैसे सही रहेगा, पूरा फसल चक्र ही चौपट हो जाएगा, जिसके चलते इसे फिर से संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि आज के दौर में गौरैया की आबादी 50-60% तक घट गई है। पहले तो गांवों की तरह ही शहरों के घरों में भी गौरैया आपको फुदकती हुई दिख जाती थी, मगर अब तो यह शहरों से गायब ही हो गई है। गौरैया वहीं रहती है जहां मनुष्य रहते हैं। घरों में लोगों के साथ रहना गौरैया को खूब पसंद रहा है। पहले गांवों में घर घास फूस और छप्पर वाले हुआ करते थे, जिनमें यह दरारों या थोड़ी सी जगह में अपना घोंसला बना लेती थी। अब गांव-गांव सीमेंट कंक्रीट के मकान बनने, जंगल कटने, खेतों में अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग के कारण और मोबाइल टावर लगने से गौरैया का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। WHO की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि गेहूं आदि फसलों में कीड़ों को मारने के लिए जो कीटनाशक प्रयोग किए जा रहे हैं उनके कारण गौरैया मर रही हैं। आने वाले सालों में यदि कीटनाशकों का प्रयोग ऐसे ही अनवरत जारी रहा तो जल्द ही गौरैया का अस्तित्व मिट जाएगा। इसके इतर दुनिया में बढ़ रहे मोबाइल टावरों की संख्या भी गौरैया के अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दरअसल में पंछी रात में चांद तारों और दिन में सूरज की रोशनी देखकर ही अपनी दिशा तय करते हैं, मगर मोबाइल टावरों की तरंगे उनकी दिशा भ्रमित करती हैं। बता दें कि गौरैया कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। घर में यह दूध भात आदि खाती है तो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा लेती हैं। इस संबंध में इंडोनेशिया एवं चीन का उदाहरण सबके सामने पर्याप्त है। चीन में कम्युनिस्ट शासन प्रारंभ हुआ तो वहां की सरकार को लगा कि गौरैया फसलें खा जा रही हैं। इस पर उनको मारने का सरकारी अभियान चलाया गया। पूरे चीन से ही गौरैया प्रजाति समाप्त हो गई, किंतु 2 साल बाद प्रकृति ने इतने कीड़े मकौड़े पैदा कर दिए जो फसलें चट करने लगे। इसकी जांच में पता चला कि गौरैया कीड़े खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती थी, जिसके बाद चीन ने जापान से गौरैया मंगाकर युद्ध स्तर पर अभियान चलाया और उनकी संख्या बढ़ाई। इंडोनेशिया ने मलेरिया उन्मूलन के लिए इतनी कीटनाशक दवाएं छिड़काई कि छिपकली सांप तक मर गए। सांप मरने से वहां चूहे इतने बढ़े कि घर से लेकर खेतों तक बर्बादी सामने आने लगी। चूहों को भगाने के लिए विदेश से बिल्लियां एवं सांप मंगवाकर खेतों में छुड़वाए गए। दुनिया भर में गौरैये की 6 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। हमारे देश में ही घरेलू एवं जंगली गौरैया पाई जाती है। मैदानों से लेकर 7000 फुट ऊंचे पर्वतों जंगलों तक में गौरैया दिखती है। गौरैया नर का रंग कत्थई तो मादा का रंग भूरा होता है। नर को चिड़ा तो मादा को चिड़ी कहते हैं। मादा साल में 2 बार पहले अगस्त सितंबर फिर मार्च अप्रैल में अंडे देती है। समय रहते सरकार और समाज एवं कृषि वैज्ञानिक नहीं चेते तो गिद्ध की तरह ही गौरैया भी एक दिन विलुप्त हो जाएगी, जो हमारे देश के लिए बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न कर देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।